सेंधवा। शहर में वैभव इंडस्ट्रीज में भागवत कथा का दौर जारी है, जिसमें आयोजक शर्मा परिवार द्वारा त्रिवेणी के संत श्री श्री 1008 राम ऋषपाल दास जी महाराज बाबा जी को आमंत्रित किया गया, जिनके द्वारा कथा के दौरान आशीर्वचन दिए गए। राजेंद्र शर्मा परिवार द्वारा भव्य आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त कथा का रसपान करने आ रहे हैं। आयोजन में पधारे संत श्री से एक्सप्रेस संदेश की खास बातचीत। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धेय त्रिवेणी से बाबा जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। उन्होंने अपने आशीर्वचन में आज मतदान की भी लोगों से अपील की है, साथ ही सनातन को लेकर के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जिस पर लोगों ने काफ़ी उनके आशीर्वचन को साध्याय किया है। और उसके बाद से लोग सोचने लगे हैं कि निश्चित तौर पर सनातन हमारे लिए अच्छा है। बाबा जी, एक्सप्रेस संदेश पर आपका स्वागत है। किस तरह से सनातन की आपने व्याख्या की है और मतदान के लिए भी अभी वर्तमान में दौर जारी है, तो किस तरह से अपील करेंगे? भाई, ऐसा है कि आज हमारा देश सब शिक्षित है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो सबको अपने देश के लिए करना चाहिए। देश है तो हम हैं, और देश नहीं रहेगा तो फिर हमारा क्या अस्तित्व है। इसलिए हमारा संविधान जो बना है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एक बड़े अमीर आदमी से लेकर एक गरीब आदमी, और शिक्षित आदमी से लेकर के एक अनपढ़ आदमी, इस देश के लिए उस सब का सम्मान है। और जो बड़े आदमी का मतदान है उसकी जो कीमत है, वही कीमत एक बहुत गरीब झोंपड़ी वाले में रहने वाले की है, उतनी कीमत उस झोंपड़ी में रहने वाले का मतदान की है। इसलिए देश के लिए मतदान है, न कि हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। देश के लिए स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, ममता का त्याग करना चाहिए। जो देश का उत्थान करे, देश का नाम करे, भले ही वह हमारा शत्रु क्यों हो, लेकिन हमको उसको वरण करना चाहिए, उसको मतदान देना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त है, तो उसको हमें सहयोग देना चाहिए। और हमारे देश के लिए, उसके देश का भाग बनाने के लिए, देश को उत्थान के लिए हमको मतदान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पात्र और कुपात्र, कुपात्र में जो दान दिया हुआ वह देने वाले को भी नष्ट करता है, स्वयं तो नष्ट हो जाता है, देने वाले को भी नष्ट करता है। और सुपात्र को दान दिया हुआ अनंत काल भरता है। जैसे एक पीतल का बर्तन होता है और उसमें खटाई की कोई वस्तु अगर हम डालते हैं तो उस वो खटाई की जो वस्तु होती है ना, वो भी ख़राब हो जाती है, और जिसको हम देते हैं उसको भी वो काम नहीं आती है। इसी प्रकार से जो सुपात्र योग्य हो उसको मतदान देना चाहिए, देश के लिए देना चाहिए, कि देश का उत्थान कर रहा है, देश का नाम कर रहा है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, वो चाहे हमारा शत्रु हो, लेकिन उसका वो मतदान देना चाहिए। हमारा प्रिय हो, जो आखिर वो देश का भला करना नहीं जानता, वो देश का भला हम देखते हैं कि इससे नहीं होता, तो हमारा प्रिय है, हमारा मित्र है, तो भी उसको मतदान नहीं देना चाहिए। बहुत जी, संक्षिप्त में सनातन के बारे में बताएं। आपने मंच से अभी उद्बोधन में संक्षिप्त में बताया था जिस तरह से कि किस तरह से सनातन क्या है हकीकत में सनातन, तो थोड़ा सा बताएं। सनातन का कई अर्थ होते हैं। प्रथम एक अर्थ ये होता है कि सनातन जो हमेशा अनादिकाल से है, सबसे पहले है, वह सनातन कहलाता है और हमेशा रहता है, वह सनातन कहलाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में हम भगवान को सनातन मानते हैं कि इस पृथ्वी से पहले भगवान थे, एको हम भविष्यामि, भगवान अकेले थे, उन्होंने ही अपनी कल्पना करी कि मैं अकेला क्या करूं, तो उन्होंने अपने आप से ही बहुत से बन गई, तो
ये सब हम उन्हीं से बने हुए हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके भूते सनातन, मैं सनातन हूँ और मेरे से ये सब प्राणी उत्पन्न हुए, मेरे अंश से, मैं भी ममई वांसो, मेरे अंश से ये सब उत्पन्न हुए हैं, ये भी सब सनातन हैं और हमारा धर्म भी सनातन है। जो हमेशा पहले अनादिकाल से प्रथम जो धर्म था वे धर्म सनातन है और वह सनातन ही रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। बाबा जी, धर्म का अंगीकार कैसे करना चाहिए? धर्म का अंगीकार ये करना चाहिए कि धर्म के जो अंग है, धर्म में धर्म ये कहता है कि तुम माता पिता की सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। धर्म कहता है कि देश की सेवा करो, देश की सेवा करनी चाहिए। धर्म कहता है कि यदि आप किसी जीव की सहयोग करने में, सहायता करने में समर्थ हैं तो उसकी सहायता करो। आपके पास में कुछ है दूसरे की सहायता करने के लिए तो उसको खर्च करो, उसके लिए जी दूसरे के हित के लिए खर्च करो। ये जो हमको मिला है वो है सबके हक के लिए, सबके लिए मिला है, हमने कमाया है लेकिन वो है भगवान को ने हमको दिया है तो हम दूसरों को दे, इसलिए हमको दिया है। बाबा जी ने धर्म की भी व्याख्या की है और सनातन की भी व्याख्या की, साथ ही मतदान देश हित में करने के लिए कहा है, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके इस बार अवश्य मतदान करें, यही बाबा जी की अपील है और यही सनातन की अपील है। एक्सप्रेस संदेश के लिए इस वक्त दुर्गेश शर्मा के साथ थे।